हेलो, वेलकम बैक। मैं हूँ हितेश गोस्वामी। बाकी डिटेल आपको यहाँ पे दिख रही है। चलिए, आज का टॉपिक ये हमारा कि हम लोग इंस्टाग्राम पे स्टोरी रील कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी थर्ड पार्टी और थर्ड पार्टी वेबसाइट। आप इंस्टाग्राम के अंदर से ही डाउनलोड कर सकते हो। ये एक ट्रिक है या तो एक ग्लिच है, आप भी आपको पता चल जाएगा। नॉर्मली हम इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी डाउनलोड करनी है तो हम सिंपली लिंक कॉपी करते हैं और क्रोम पे जाके इंस्टा सेव लिखकर फिर वहाँ पे लिंक पेस्ट करके हम लोग डाउनलोड कर पाते हैं। लेकिन वो पब्लिक अकाउंट के लिए, कोई भी रील हो, पोस्ट हो या कुछ भी हो, आप पब्लिक अकाउंट के लिए डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको प्राइवेट अकाउंट, मतलब खुद का ही स्टोरी डाउनलोड करना है, जैसे अभी एग्जाम्पल दिखाता हूँ मेरे भाई का मोबाइल लेकर, तो अभी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये देखिए, जब से ऐसे मेरा फोटो है यहाँ पे, मैंने अभी भी रिसेंटली खींचा है फोटो, तो इस फोटो के ऊपर मैं अगर कोई भी सॉन्ग लगाऊँ यहाँ पे जाके, म्यूजिक में जाके, कोई भी कॉपीराइट फ्री सॉन्ग ढूंढना पड़ेगा मुझे, वरना कॉपीराइट लग जाएगा। जैसे मैंने ये सॉन्ग लगाया यहाँ पे, कोई भी सॉन्ग है एग्जाम्पल, मैं इसको यार आवाज़ कम कर देता हूँ। ये सॉन्ग मैंने अभी लगाया, तो इसको मैं अगर यहाँ से सेव करूँगा, यहाँ पे ऊपर क्लिक करके सेव बटन दबाऊँगा, तो डायरेक्टली सेव तो हो जाता है, लेकिन बाद में हमारा ऑडियो मिक्स मतलब नहीं होता। और यहाँ पे हमको एक बार वार्निंग भी दे देता है कि आपका ये गाने के साथ सेव नहीं होगा, तो ये कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम देता है। अभी एग्जांपल दिखाई देता हूँ, अभी सेव हुआ होगा अभी। ये देखो, यहाँ पे मैंने अभी रिसेंटली सेव किया, लेकिन ये म्यूजिक फुल ऑन है, फुल आवाज़ तेज है, फिर भी लेकिन यहाँ पे गाना नहीं आ रहा है, क्योंकि कैसे आएगा आप ही सोचो। ये डायरेक्टली इंस्टाग्राम ऐसे ही सेव करता है। तो अब इसको ट्रिक तोड़ने के लिए क्या है पता है? अब इसको सेव करने के लिए क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिख रही है। सिंपल से मैंने अपने जिसको मतलब अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर को भी भेजना या खुद को भी भेज देना सर्च करके। आप बाद में क्या करो, सेम फोटो है ये, तो इसको यहाँ से मत भेजो, स्टोरी पे क्लिक करके जो ये फोटो है, समझो ये फोटो थी और इसके मुझे गाना यही सेम टू सेम चाहिए, इन टू द वर्ल्ड वुड्स जो भी था, तो मुझे ये सेम का सेम मुझे चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे म्यूजिक में जाऊँगा, म्यूजिक पे क्लिक करने के बाद सेम नाम लिखूंगा, इन टू द वुड जो नाम था सॉन्ग का, ये सेम मैं नाम लिखा। थोड़ा अलग है, मतलब आपको वीडियो बनाने के चक्कर में जल्दी जल्दी में ढूंढ रहा हूँ, तो सेम मैंने सॉन्ग नहीं लिखा है। लेकिन देखो, ये सॉन्ग है रिसेंटली अभी मैंने जो ढूंढा, तो ये सॉन्ग को मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, डन करूँगा और जो इसको पूरा सेम टू सेम साइज में सिलेक्ट कर दूंगा, या मुझे इसको हटाना तो मैं यहाँ पे हटा ही दूंगा। और यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन है अलाउ रिप्ले, इसको मैं टिक करके यहाँ पे कीप इन चैट रखूंगा। ये देखो, तीन चार ऑप्शन है, लेकिन कीप इन चैट रखना है और सेंड कर देना अपने फैमिली मेंबर, किसको भी सेंड करना है। तो सेंड करने के बाद ये वीडियो एक बार सेंड हो जाएगी, तो वेट कर लो तब तक। यहाँ पे मैंने वीडियो भेज दिया मेरे भाई को, तो अभी देखो मैं इसको कभी भी ओपन कर सकता हूँ और ये सेम सॉन्ग बजेगा, सॉन्ग बज रहा है अभी। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके रखूंगा लॉन्ग प्रेस और इसको दबा दूंगा सेव, और ये डायरेक्टली वीडियो सेव हो जाएगी। अब मैं अपने गैलरी में जाके भी देख लूँ सेम वीडियो, ऑल्स में जाके, फोटोज में जाके, तो ये देखो सेव हो चुका है गैलरी में। और ये पिछला वीडियो जो मैंने स्टोरी से सेव किया जिसपे विदाउट म्यूजिक, और ये सेम का सेम मैंने खुद को भेज के या मेरे भाई को भेज कर किया और सेव हो चुका है। ये ट्रिक से आप रील या जो भी आपको सेव करना है वो आप सेव कर सकते हो, कहीं ना कहीं इजी है, आपको पता चल चुका होगा मैंने क्या किया है। और हालांकि इस रील सेव करने के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, तो आप आई बटन पे जाके देख सकते हो। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।